नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जिया, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। दोस्तों, ये छोटा सा एक अपडेट है इस वीडियो के अंदर मार्केट के ट्रेंड के बारे में, थोड़ा ट्रॉन के बारे में, तो वो थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट कर देता हूँ, जो इससे पहले जो वीडियो थी जो इंडिकेटर्स के बारे में थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको बाय और सेल का जो सिग्नल देता है वो इंडिकेटर अगर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो मैंने अभी वहां पे एक मैसेज ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, पिंड मैसेज, वहां पे आप देख सकते हैं कि उसका फ्री वर्जन मैंने डाल दिया है। आप डायरेक्टली उसको क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उसमें डिस्प्ले करेगा आपको। अब अगर मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट का ट्रेंड कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और आने वाले दिनों में क्या रहेगा, उसकी मैं थोड़ा सा आपको एक अपडेट दे देता हूँ ताकि आपको भी ट्रेडिंग करने में ईजी रहे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यह बता देता हूँ कि मार्केट ने 9,500 का लेवल दो बार अभी टच कर लिया है। मार्केट जब भी 9,500 के आसपास आता है फिर वापस से थोड़ा नीचे आ जाता है, तो अभी जो मार्केट चल रहा है 9,200 के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। और गुड न्यूज़ ये है कि मार्केट जो है 9,000 और 9,500 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, और इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चार्ट्स के ऊपर देखा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट काफ़ी आगे जाएगा। और अगर हम चार्ट देखते हैं, ये जो चार्ट मैंने ओपन किया है, अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो जैसे हमने कहा था कि हमारा जो एक पहले W है, W के हिसाब से जो ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से कैंडल बार्स अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। और इस चार्ट के ऊपर मैंने एक नया और ड्रॉ किया है, वो है एक ABC करेक्शन पैटर्न और उसके साथ इलियट वेव्स का 1 से लेकर 5 तक का वेव पैटर्न एक मैंने ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो 1 से लेकर 5 तक का जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, तो इसमें आप 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल चेक करते हैं तो वो लगभग 23% के आसपास ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी जो है हमारा वेव 4 कंप्लीट हुआ है और अगर वेव 5 हमारा भी यहां से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है, तो उसमें भी अगर हम 23% का रिट्रेसमेंट लेवल ऊपर की तरफ ऐड करते हैं तो लगभग हमारा जो मार्केट का प्राइस है वो 10,000 के ऊपर आराम से जा सकता है। लेकिन इस बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे आए या इस रेशियो के अंदर फ्लक्चुएट करे, लेकिन इससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें 9,900 का लेवल पार करना है। एक बार 9,900 का लेवल पार हो जाएगा तो आगे जो हमारा लेवल है 10,000 वाला वो इजिली कवर अप हो जाएगा और उसके बाद से 11,000 वाला भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं ये कहूंगा कि मार्केट काफी अच्छा है इंट्राडे करने के लिए, और अगर आप कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आज लिया और 2 दिन में आप देखते हैं, तो मार्केट काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है। तो जरूरी नहीं है आपको BTC को, तो जरूरी नहीं है कि आपको बिटकॉइन लेके ही ट्रेडिंग करना है और उसमें आप प्रॉफिट करेंगे। बिटकॉइन अभी स्टेबल है लेकिन ओल्ड कॉइन्स जो है उनकी रैली काफी अच्छी है और उसके अंदर आप काफी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था सॉल्ट के बारे में कहा था, उसमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ, स्टीम में काफी अच्छा मुनाफा हुआ, उसके बाद से ट्रॉन में तो ऑलरेडी सब लोग मुनाफा कमा ही रहे हैं, फिर कार्डानो बहुत दिनों से शांत था लेकिन अभी आप देख सकते हैं कार्डानो में भी लगभग 8 से 9% के आसपास इजाफा हुआ आज, ठीक है। तो सारे जो ऑल्ट कॉइन्स है और जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। अब बात आती है ट्रॉन के बारे में कि ट्रॉन का भी क्या होगा, ठीक है। कल हमने देखा है कि ट्रॉन ने काफी अच्छा छलांग मारा था, लगभग 10% के आसपास गया था, और अभी अगर मैं लाइव देखता हूं तो ट्रॉन जो गया है वो लगभग 4.5% के आसपास ऊपर है और लगभग 917 सतोशी के आसपास चल रहा है। और आज जो ट्रॉन है, ट्रॉन ने लगभग 950 का लेवल टच कर दिया है और उसके बाद से ट्रॉन का जो CEO है जस्टिन सन, उनका सीधा ट्वीट आया है कि ट्रॉन जो है अब टॉप 10 के अंदर आ गया, मतलब ट्रॉन ने 9th पोजीशन पे अपना कब्जा कर लिया है। तो ये काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है और उन्होंने भी ये बताया कि 950 का लेवल टच हुआ है, तो काफी अच्छी चीज है। और आगे चल के हम ट्रॉन का लेवल जो देख सकते हैं 1,000 सतोशी इजीली टच हो जाएगा। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी लोगों से कहा है कि भाई 1,000 जब सतोशी आ जाए तो आप उसमें से कम 50% प्रॉफिट निकाल लेना, क्योंकि 1,000 टच करेगा या 1,100 टच करेगा उसके बाद से वापिस से नीचे आएगा, तब वापिस आप उसको बाय बैक कर लेना और फिर वापिस से मुनाफा कमाना, ठीक है। अब ट्रॉन का जो मेन नेट है उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि क्या होने वाला है। तो ट्रॉन का आखिर जो मेन नेट है वो होता क्या है, ट्रॉन जो है अभी फिलहाल यूज कर रहा है ERC20 इथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और 31 मई को ट्रॉन का मेन नेट लॉन्च होगा, यानी कि ट्रॉन जो है इथेरियम का प्लेटफॉर्म छोड़ के वो अपना
ट्रॉन का खुद का इकोसिस्टम में आ जाएगा, यानी कि ट्रॉन का जो टोकन है वो ट्रॉन के इकोसिस्टम या ट्रॉन के प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। तो इससे अब बेनिफिट होगा कि लॉस होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले जो था ट्रॉन का टेस्ट नेट के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि ट्रॉन का टेस्ट नेट होने वाला है, उसमें मार्केट काफी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जिस दिन टेस्ट नेट हुआ उस दिन आप देख सकते हैं मार्केट काफी नीचे आ गया था ट्रॉन का, ठीक है, बहुत नीचे आ गया था। लोगों ने पैनिक करके माल बेच दिया। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, ट्रॉन ने काफी लंबी छलांग मारी, ट्रॉन काफी ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मेन नेट का दिन आता है, हो सकता है सेम चीज वापस से रिपीट हो, उस दिन वापस से मार्केट नीचे आ जाए और फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन ट्रॉन का रेट है वापस से बढ़ जाए। लेकिन 31 में अभी काफी दूर की बात है, ये पूरा 1 महीना पड़ा है हमारे पास। उस बीच में ट्रॉन की क्या हालत होगी वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो ट्रॉन जो है वो काफी सुर्खियों के अंदर है, काफी न्यूज के अंदर है, काफी हाइप के अंदर है, ट्विटर पे हर जगह, ठीक है। तो इसके लिए ट्रॉन का रेट ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके ट्रॉन में अपना प्रॉफिट भी निकालते रखो, थोड़ा सा जो अमाउंट है वो आप होल्ड करके रखिए आगे के लिए, या फिर आगे आपको नीचे डाउन मिलता है तब आप बाय कर लेना। अभी मैं ये कहूंगा कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है, जो जो अपने आपके पास है उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, ठीक है। प्रॉफिट बुक करेंगे तो आने वाले कुछ दिन में अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स की रैली नीचे भी आ जाएगी तब आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट ऑलरेडी ले लिया है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, बाकी मार्केट के बारे में फाइनल में यही कहूंगा कि मार्केट काफी अच्छा जा रहा है, ऊपर नीचे आएगा, टेंशन मत लीजिए, मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश नहीं कहेंगे लेकिन धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा सा करेक्शन होता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मार्केट काफी अच्छा चल रहा है और उम्मीद यही करूंगा कि आगे का जो मार्केट आएगा आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट मार्केट के बारे में, ट्रॉन के बारे में और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।